नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जानकी ब्लॉग में। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं अपना ब्लॉग वीडियो शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ में। तो दोस्तों दिखाती हूँ आपको, मैंने मंगाया है ऑनलाइन अपने कान्हा जी के लिए सिंहासन। मैं कान्हा जी को लाई, उसके बाद उनका सिंहासन नहीं था, वो ऐसे ही उनको किसी तरह से मैं बैठाल के रखी थी, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ मैं कर लूँगी। तो अभी मैंने सिंहासन मंगाया है और उस पे उनको बैठाल भी दिया है और आप सबको दिखाती हूँ मैं। और दोस्तों कल ना हमारे यहाँ बहुत ज़ोर से बारिश हुई थी और दिखाती हूँ आप लोगों को बारिश में हमारे यहाँ सब लोग गाँव में कैसे मस्त। तो देखिए दोस्तों आज मैं अपने कान्हा जी को दिखा रही हूँ और मेरे कान्हा जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और अभी इनका सिंहासन नहीं था और यहीं पर पूजा करते हैं हमारे यहाँ सभी लोग। अभी अलमारी नहीं बनी हुई है तो इसलिए, और आज मैंने जो है कान्हा जी के लिए ये देखिए इनका सिंहासन मंगवाया है। तो चलिए मैं यहीं पर अनबॉक्सिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ लेकर नहीं बैठी थी, मुझे जो है फटाफट मैं जैसे ही मुझे ये पार्सल रिसीव हुआ मैं लेकर आ गई। पहले तो मैं अपने कमरे में थी तो वहीं पर मैं इसे खोलने जा रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं भगवान जी का आसन है तो उन्हीं के सामने लेकर जा रही हूँ, इसको अनबॉक्स करूँगी। तो देख सकते हैं मैंने इसे ओपन किया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख कर। और जितना अच्छा मैंने देखा था मीशो ऐप पर, इसे मैंने मीशो ऐप से मंगाया है, मैं बताना भूल गई आपको कि मैंने मीशो से मंगाया है और बहुत ही अच्छा। इसे मैंने फ्लिपकार्ट पर भी देखा था लेकिन मीशो पर मैंने जो है ऑर्डर कर दिया था, इसलिए मैंने वहीं से मंगा लिया। और इसका कोड मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप में से कोई भी इसे लेना चाहे तो ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर है और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बढ़िया इसका साइज़ भी अच्छा है। तो जो मेरे कान्हा जी हैं अभी, इनको जो मैंने पोशाक पहनाई है, पोशाक जो है बड़ी है तो क्या है सिंहासन पे पूरी तरीके से जो है बाहर हो जाएगी, लेकिन मैं बैठाल दूँगी, मुझे अच्छा लगेगा। और आगे फिर मैं जब इनकी पोशाक लूँगी तो छोटी वाली लूँगी, क्योंकि सिंहासन पर बैठने पर अच्छा लगे देखने पे इनका रूप। और दोस्तों क्या है, मैं जितना ज़्यादा कर पाती हूँ पूजा उतना करती हूँ, कहते हैं कि जिससे जितना हो उतना करना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ करना नहीं आता, लेकिन फिर भी जितना आता है उतना करने की कोशिश करती हूँ। मेरे घर में सभी लोग पूजा पाठ करने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और वो लोग भी घर के सारे सदस्य पूजा करते हैं। मैं मेरे पास जब टाइम होता है जितना मैं दे सकती हूँ भगवान के लिए उतना मैं करती हूँ। तो देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत और इतना मनमोहक दृश्य, इतना अच्छा लग रहा है, क्या बताऊँ दोस्तों। और देखिए मैंने बताया कि बारिश हुई बहुत तेज़ से, मेरे गांव में बारिश हुई, मेरे गांव में क्या है जहाँ तक हुई होगी मुझे नहीं पता, लेकिन अब जैसे मेरा पूरा घर भीगा भीगा सा हो गया है, रास्ते में पूरा पानी पानी है। तो गांव की गलियां आप समझ सकते हैं उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं होती हैं, कहीं कीचड़ कहीं पानी इस तरीके से होता है। मेरे घर के सामने ना तो बिल्कुल भी आ जा नहीं सकते हैं, हमेशा पानी ही भरा रहता है, कीचड़ रहता है। लेकिन क्या करें, जब सही से रोड है नहीं तो किसी तरह से अपना हम लोग आते जाते हैं। और देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी मैं भी बारिश के पानी में नहाना चाहते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया कि कहीं आप बीमार ना हो जाओ। और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पानी पानी था,
नाली पूरी भरी हुई थी, उसके ऊपर से पानी जा रहा था। और मैंने यहाँ पर ना ब्लाउज मेरा सिलना था, तो वही मैं कट कर रही थी। और ये देखिए, ये नींबू का पेड़ है, तो वही है। और ये हमारा बेटा है। यहाँ पर मैं आई थी तो पीछे पीछे बच्चे लगे ही रहते हैं, जहाँ पर जाए माँ बच्चे साथ में आते ही हैं। मैंने सोचा कि कुछ मैं देख लेती हूँ यहाँ पर हो सब्जी वगैरह। तो दोस्तों ये है, देखिए मेरे हस्बैंड को पथरी थी तो उसी की है। ये पता नहीं कैसे पत्थर के जैसे चार छोटे छोटे से लग रहे थे, तो बोले कि देसी दवा है, इसको खाने से पथरी निकल जाती है। और निकलेगी या नहीं मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों हमारी छोटी सी वीडियो ये आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब।